स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। टोक्यो पैरालंपिक्स में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले जो मेडल विनर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। घर वापसी हो चुकी है उनकी, काफ़ी एक्साइटेड है। बात करेंगे सबसे पहले शरद से। शरद, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इस बार चीज़ें थोड़ी सी अलग थी, कोविड का टाइम था और चैलेंजेस काफ़ी थे। ये जो एक्सपीरियंस रहा हम सारे एथलीट्स के लिए काफ़ी लाजवाब था, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम्स थे। बेसिकली जापान ने ये गेम्स कर दिए, बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने हर एथलीट का मेहनत को सेव कर दिया। और इसमें जापान तो उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजिंग किया ही था, जो बाकी जो दल होते हैं जो हमें स्पोर्ट्स एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे साई हो गया या कुछ गो स्पोर्ट्स हो गए, तो ये लोग ने हम पे भरोसा करते हुए, उनको पता भी नहीं था कि शायद ये गेम होगा या नहीं होगा, फिर भी वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ें था, बहुत डिफरेंट था इस टाइम। एक आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये ऐसे जाऊँगा, आराम से जाऊँगा, कंपटीशन करके आ जाऊँगा। लेकिन इस टाइम हम लोग जितना गेम के लिए तैयारी करते हैं अनसर्टेनिटी होता है, उतना एक्चुअली ट्रैवलिंग में भी अनसर्टेनिटी था इस टाइम। तो इस टाइम जो गेम्स हो गए और लकीली हम लोग, मैं मेडल जीत गया, मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ लगा ये। योगेश भी हमारे साथ हैं। योगेश, आपका पहला ये मौका था कि आप पैरालंपिक से पार्टिसिपेट कर रहे थे और पहले ही मौके में आपके पास सिल्वर मेडल है, किस तरीके से आप देखते हैं? अगर हम बात आपकी जर्नी की करें, आप उसको बारे में थोड़ा सा बताइए। जर्नी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। 2017 में स्टार्ट किया था कॉलेज से, और उसके बाद 2018 में भी एशियन पैरा गेम्स खेला तो फोर्थ था, और उसके बाद 19 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज था, और अब पहले पैरालंपिक्स डेब्यू में मेरा सिल्वर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतने सालों की मेहनत रंग लाई। बिल्कुल। और आप और सुमित दोनों रूममेट थे वहाँ पर, काफ़ी कुछ किस्से कहानियाँ भी हैं। आप बताइए कि क्या, जब आपका मेडल जब इवेंट होता था तो सुमित क्या कहते थे? जैसे मेरा इवेंट था तो एक दो दिन पहले स्टार्ट हो जाती है बटरफ्लाई पेट में, तो उसके बाद ऊपर से ये मेरे को बहुत ज़्यादा डराता था और 2 बजे उस दिन रात को नींद भी नहीं आई, सुबह उठ गया था और उसके बाद जाने लगा। तो जब मेरा सिल्वर मेडल आया तो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हुई थी, और उसके बाद जब मैं रूम पे पहुंचा और ये जा ही रहा था तो मैंने इसको बोला था कि मेरा तो सिल्वर मेडल आया है, तो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया गोल्ड मेडल का, लेकिन तू ज़रूर करके लाइयो। बिल्कुल, तू ज़रूर करके लाइयो। और इन्होंने आपकी उस बात को ध्यान में रखा और गोल्ड मेडल के साथ ही वापस आए। सुमित, आपके लिए कैसा रहा ये टूर्नामेंट, क्योंकि हर एथलीट का ये सपना होता है कि उसके गले में जो है ओलंपिक्स का, पैरालंपिक्स का मेडल हो, वो आपके पास है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, डेली सैलाइवा टेस्ट हो रहे थे, उसका थोड़ा प्रेशर भी था कि बाय चांस किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आ गए हम, तो खुद का नहीं पूरी टीम का नुकसान था उसमें, क्योंकि अगर जो मेरी वजह से किसी और कोई भी बाय चांस अफेक्टेड होता तो उस चीज़ का बहुत ही डर था मेरे अंदर। वैसे सब कुछ ठीक गया, ऊपर वाले की दया रही मेरे पे, और मैंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ये कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता फिलहाल मेरे लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जो जीत है, ये उस जीत के जोश को और बढ़ाती है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी आगे आने वाले सालों में कई सारे मेजर जो हैं वो टूर्नामेंट्स हैं, स्पेशली पेरिस का जो पैरालंपिक होगा, कैसे प्लान आउट करेंगे, किस तरीके से आप अपनी इस जर्नी को आगे लेके चलेंगे? शॉर्ट टर्म प्लान की बात करें तो अभी एशियन गेम्स हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं। अगर जो लॉन्ग टर्म प्लान की बात करें तो मैं 80 मीटर का मार्क टच करना चाहूँगा कभी लाइफ में, पूरी लाइफ, क्योंकि 80 मीटर मार्क टच करना एक पैराथलीट के लिए तो लाइक बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो अभी मैं फोकस करूँगा अपने बेसिक्स पे, अपनी टेक्निक्स पे, क्योंकि कुछ खामियां हैं जो अभी हैं, क्योंकि मैंने अपनी थ्रो एनालाइज़ की जब, तो वो एक पावर से जा रही थी, लाइक टेक्निकली थोड़ा वीक पॉइंट नज़र आए मेरे को उसमें कई, तो मैं उन वीक पॉइंट्स को अभी जाते ही सुधारूंगा और कोशिश करूँगा 80 मीटर मार्क तक जितनी जल्द मैं पहुँच सकूँ। मेरे को नहीं पता ये मुमकिन होगा या आने वाले टाइम, लेकिन मैं अपना पूरी लाइक 100% पूरा जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना दूंगा उस मार्क को टच कर। और नीरज से कुछ बातचीत हुई, क्योंकि काफ़ी वो आपके जब टूर्नामेंट चल रहे थे, जब इवेंट्स चल रहे थे, वो नज़र रख रहे थे और आपको बता भी रहे थे? बिल्कुल, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा, जिससे मेरे को एक अलग ही एहसास हुआ कि इतने बड़े प्लेयर मेरे बारे में कह रहे हैं, और उनका ट्वीट भी बहुत ही लाजवाब था, लाइक खतरनाक परफॉर्मेंस सुमित, तो एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुआ मैं आगे आने वाले लाइक कॉम्पिटिशन्स के लिए। एक ये फीलिंग भी है कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा अचीव किया है, और जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो इतनी भीड़ ने मेरा स्वागत किया, उससे लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ कि आगे भी ऐसे ही देश के लिए मेडल लेके आऊँ।
और उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो रिकॉग्निशन हमें मिली है जैवलिन, स्पेशली जैवलिन की अगर जो मैं बात करूँ, तो उनके मेडल का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस रिकॉग्निशन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लाइक इंडिया जल्दी ही एक जैवलिन हब बन जाएगा, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थ्रोअर्स पैदा होंगे। बिल्कुल ज़रूर होंगे। और इस कॉन्टिजेंट के सबसे सीनियर जो हमारे खिलाड़ी हैं देवेन जी हैं, 2 बार का गोल्ड मेडल और इस बार का सिल्वर मेडल। देवेन जी, आप कैसे देखते हैं ओवर द ईयर्स की जो चेंज आया है पैरा एथलीट्स में, पैरा स्पोर्ट में, आप कैसे देखते? बहुत बड़ा बदलाव है पैरा स्पोर्ट्स में। मैं 19 साल पहले इंडिया टीम में खेला था। 2004 में मेरे खुद ने पैसे अपनी जेब से डाल करके एथेंस पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और मेरे पिताजी मुझे छोड़ने आए थे उस टाइम एयरपोर्ट में। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि यदि यहाँ मेडल जीतेगा तो एक दिन बदलाव आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो बदलाव आया है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो जाने से पहले हमसे बात की, मोटिवेट किया, मेडल जीतने के बाद बात की। और मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री साई, विशेष तौर पे साई ने जो काम किया है बहुत लाजवाब किया है। बहुत बड़ा बदलाव है कि हिंदुस्तान में अब हर किसी पैरा खिलाड़ी को ये कोई नहीं बोलेगा कि आप अपने घर पे बैठिए, अब ये कहेगा कि जाइए खेलिए, सुमित बनिए, देवेंद्र झाझड़िया बनिए, शरद बनिए। अब ये आपका 3रा पैरालंपिक्स था, क्या हम आपको अगले पैरालंपिक्स में खेलते हुए देखेंगे? मतलब ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं कि आपका क्या एस्पिरेशन? मेरा हमेशा से ये टारगेट रहा है कि मैं देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतूं। और मेरा सपना था कि मैं हैट्रिक बनाऊं, तो वो सपना मेरा पूरा हुआ, मैंने हैट्रिक बनाई है। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती मेरे लिए। बात रही आगे पेरिस, 3 साल हैं, जब तक इन बाहों में ताकत रहेगी तब तक देश के लिए लड़ता रहूँगा। बिल्कुल, यही जज्बा और यही जुनून है जो हमारे खिलाड़ियों को मेडल तक पहुँचाता है। शरद, आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि हाई जंप जो इवेंट है, आपने बहुत मेहनत करी है इस इवेंट को लेकर और वो आपके मेडल से नज़र भी आ रहा है, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर हम बात करें सिस्टम के चेंज होने की प्लस सोसाइटी के माइंडसेट चेंज होने की, आपको क्या लगता है कि ये वक्त है जब सोसाइटी को ये समझना होगा कि चीज़ें जो है वो बदल रही हैं, हमारे जो एथलीट्स हैं उनको सबको एक ही नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? देखिए, जो मैं जब ज्वाइन किया था 2008 में पैरालंपिक्स, मैंने स्टार्ट किया था और 2021 है, ऑफकोर्स बहुत चेंजेस है इसमें। जैसे कि अब एथलीट्स, पैरा एथलीट्स ही पहले जो है ना अपने आप को एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि अपने आप को पैरालंपियंस बोलते हैं, ना कि बोलते हैं कि हम ओलंपिक्स जा रहे हैं, वो पैरालंपिक्स जा रहे हैं। और पहले जैसे चाहे उनका सोशल मीडिया हो या पोस्ट होते, वो अपने आप को छुपाते थे, उन फोटोज़ को दिखा नहीं थे। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब मैं जापान में था तो मैं पूरा विलेज में हाफ पैंट पहन के चल रहा था, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि लोग मुझे जज कर रहे हैं कि वहाँ, क्योंकि नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाकी लोग भी वैसे थे। लेकिन मैं वही चीज़ अगर इंडिया में करता या कहीं और करता हूँ तो लोग देखते हैं या उसको अजीब दिखाते हैं, मुझे फील ऑकवर्ड होता था। तो लेकिन ये चीज़ अब एक्सेप्ट होने लग गया, और इसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं, जो सब कोई देख रहा है। ये मुझे कहने की बात नहीं है, जो जब लोग पैरा एथलीट बाहर जाते हैं उनसे बात करते हैं, एक बार बात नहीं करते, बहुत बार बार बात करते हैं, और वो अपना टाइम देते हैं, बताते हैं कि आप लोग कैसे, हम लोग और लोगों से ज़्यादा कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑफकोर्स चेंजेस हो रहे हैं। और जैसे गवर्नमेंट भी, पहले कोई कितने एथलीट्स बाहर जाते थे, अपने पैसे खर्च करके जाते थे, लेकिन आज की डेट में सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है, अंदर टॉप्स करते हैं, और ये लोग एथलीट्स को फील करवाते हैं कि देखिए आप लोग एक प्रोफेशनल एथलीट है, उसको अच्छे से एथलीट को भी बताते हैं जो जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो हमें लिस्ट करें, और जो जो आपको रिक्वायरमेंट, जैसे कि कौन से स्टेट में या कौन से कंट्री में ट्रेनिंग करना है, क्यों ट्रेनिंग करना है, एक्लबनाइजेशन जो है, ये सब चीज़ें पहले नहीं सोचते थे एथलीट्स, क्योंकि उनको अपने पॉकेट से सोचना पड़ता था कि यार बाहर जाना है, जैसे अगर कोई जापान ट्रेनिंग करने जाना है क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन है, तो वो सोचते थे कि हम 20 डेज कैसे जाएंगे। लेकिन अब वो 21 डेज, जैसे लास्ट टाइम ब्राज़ील चला गया, मैं टॉप्स के अंडर ही ब्राज़ील गया था, 21 डेज तक उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ के सिस्टम को अंडरस्टैंड, वेदर पे अक्लमेटाइज रहिए। तो बेसिकली यही सब चीज़ें में हम लोग खुद अपने आप को फील करने लग गए हैं कि वी आर जस्ट नॉट नॉर्मल स्पोर्ट्स, हम लोग पैशन के लिए नहीं कर रहे हैं, जो सपोर्ट हमें गवर्नमेंट से आ रहे हैं, गो स्पोर्ट्स वगैरह जो कर रहे हैं ना, हमें फील करवा रहे हैं कि आप लोग प्रोफेशनल एथलीट्स हैं। और ये माइंडसेट जो एथलीट्स का मेन है, जो परफॉर्मेंस दे रही है, ये माइंडसेट उनको खुद को मोटिवेट कर रही है कि हम लोग कुछ डिफरेंट हैं। वरना पहले लोग इस सिचुएशन को, वो खुद
मैं कभी नहीं देखता था कि एक पैरा एथलीट किसी पैरा एथलीट से ही मैरिज करना चाहते हैं। ये सोशल नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब हो रहे हैं। लोग फिजिकली चैलेंज पीपल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्हें उनसे शादी में रिश्ते कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होता था कि अरे यार क्या है, पहले तो ये लंगड़े से शादी करना चाह रहा है, इसका बॉयफ्रेंड ऐसा है, ये सब चीज़ें लोग कहते थे। लेकिन अब नहीं है, अब सब कोई आगे आ रहे हैं और वो प्राउड भी फील करते हैं कि यार तुम जो नहीं कर सकते हो, वी आर नॉट फिजिकली चैलेंज बाई बॉडी स्टेट बट वी आर चैलेंज बाई माइंड सेट। वट आर यू थिंकिंग यू माइट बी हैविंग, सब चीज़ें आपके पास, आपके पास पैसे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आप जिस लाचार है, कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी कुछ और चीज़ में नहीं है। और ये चीज़ें चेंज हो रहे हैं और हम लोग ये चीज़ में आगे ला रहे हैं। और आई थिंक हमारे थ्रू गवर्नमेंट इंडिया के लोगों को बताना चाहते हैं ना, मोटिवेट करना चाहते हैं कि घर पे मत बैठिए, आप कुछ कीजिए, जो जो चीज़ें हैं, तभी देश आगे जाएगी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउस एट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।